पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पीतल नगरी मुरादाबाद में एक बार फिर युवाओं के अंदर छिपा एक शायर बाहर आ गया। जी हाँ, इस बार अल्फाज अपने के मंच ने तीर्थांकर यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के स्टूडेंट्स को अपनी प्रतिभा उजागर करने का मौका दिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से इन युवाओं के अंदर छुपे बड़े मुद्दे भी कुछ इस तरह सामने आए कि सभी देखते रह गए। दरअसल विगत दो वर्षों से मुरादाबाद में युवा कवियों और कवियत्रियों को मंच प्रदान करते हुए अल्फाज के कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते युवा प्रतिभाओं को लगातार आगे बढ़ाने हेतु अल्फाज द्वारा दिल्ली रोड स्थित तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी के टिमिट कॉलेज में प्रथम ओपन माइक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के मैनेजमेंट और लॉ के छात्र छात्राओं ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अल्फाज की संस्थापिका अभिव्यक्ति सिन्हा, संचालन राघव गुप्ता और मैनेजमेंट अमर सक्सेना ने किया। कार्यक्रम में आकृति, मुस्कान, श्याम, अंचित, गिरीश और हर्षित ने कार्यभार संभाला। वहीं टिमिट कॉलेज में प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन जैन, डॉक्टर अलका अग्रवाल, डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल, अमित वर्मा के साथ सभी ने अपना भरपूर सहयोग दिया। हमने आज अल्फाज के माध्यम से एक ओपन माइक इवेंट यहाँ पे टिमेट में आयोजित कराया है। वैसे तो अल्फाज हम 2019 से मुरादाबाद में हर महीने ओपन माइक इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, बस टिमेट में आज हमारा ये पहला ओपन माइक कार्यक्रम। किस तरह का रिस्पॉन्स है बच्चों में, किस तरह से देखा गया है? हमारा मेन मोटिव ये है कि शब्द आपके मंच हमारा, मतलब जो भी आजकल के युवा साथी जो है हमारे, वो लिखते तो है लेकिन उनके पास उनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए कोई मंच नहीं होता। अल्फाज उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ पे वो अपने उन फीलिंग्स को, अपनी उन भावनाओं को शेयर कर सकते हैं जो वो किसी से नहीं कहते। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब युवा साथी ऐसी भावनाएं अपने मन में रखते हैं तो वो गलत राह में चले जाते हैं, तो वो ऐसे ना जाए, अपनी बात को सबके सामने रखें और हम उसको आगे बढ़ा सके जिससे वो अपना नाम भी कमा सके और गुमनाम ना रहे। लगता है कि अभी बच्चों में जो कहीं ना कहीं जो प्रतिभा है वो निकल कर आ रही है और उसके लिए लोगों को मंच नहीं मिल पाता, ये काम माना जी बिल्कुल। जैसा जब हमने स्टार्टअप किया था तब हमारे पास मुरादाबाद के बहुत कम लोग यहाँ पे परफॉर्म करने आते थे, लेकिन आज की संख्या में अल्फाज इतना आगे बढ़ चुका है कि परफॉर्मर जो है वो हमारे पास संख्या बढ़ती जा रही है और युवा साथी इसको अपने एक्साइटमेंट के साथ आगे लेकर चल रहे हैं और वो एंजॉय के साथ अपना अपना जो उनका कंटेंट है वो शेयर कर रहे हैं। ये हमारा चैनल अल्फाज अपने 2019 में हमने इस्टेब्लिश किया था और हम लोग नॉर्मली ओपन माइक्स इवेंट करने हम लोग दिल्ली या मुंबई जाया करते थे। उसको देखते हुए मुरादाबाद में हमारे शायर, कवि, सिंगर्स और हमारे स्टोरी टेलिंग के लिए परफॉर्मर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने 2019 में अपना एक अल्फाज अपने के नाम से प्लेटफॉर्म शुरू किया। आज हमने टिमिट के अंदर अपना इवेंट किया, फर्स्ट इवेंट जो हमने टिमिट कॉलेज के अंदर किया है,
कॉलेज की स्टार्टअप किया है, जिसके अंदर हमने कॉलेज के स्टूडेंट्स को एक चांस दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो आकर अपना परफॉर्मेंस दें यहाँ पर आके। और क्या किस तरह का लोगों में जो बच्चे हैं उन्होंने इस मंच पर आकर किस तरह से परफॉर्म किया है? कैसा परफॉर्मेंस में अगर मैं बात करता हूँ, आज बच्चों ने सिंगिंग करी है, स्टोरी टेलिंग करी है, कुछ ने कविताएँ सुनाई हैं, कुछ ने शायरी सुनाई है। और अगर आज मुरादाबाद की हम मुरादाबाद की बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो हमारे पास परफॉर्मर इतने ज़्यादा थे कि हमें शॉर्ट लिस्टेड करना पड़ा। इसका मतलब ये होता है कि मुरादाबाद में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, और मैं चाहूँगा कि अल्फाज अपने के माध्यम से हम और लोगों को भी मुरादाबाद के अलावा भी लोगों को जोड़ रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।